सो गाइस देखो कितना चढ़ गया हूँ मैं, और अब मेरा प्लान है नीचे जाने का, कि भाई इधर हवा चल रही है और मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल एकदम लो है। देखो मैं सबसे टॉप पे हूँ, सारे बंदे देखो कितने नीचे हैं। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। और गाइस आज सुबह हम तैयार हो चुके हैं मस्त, कहाँ जाने के लिए? रोहतांग वैली, वहाँ क्योंकि हमें भाई रियल बर्फ़ से मस्त इन्जॉय करना है, तो हम जाएंगे पहाड़ों पे जहाँ पे रियल बर्फ़ पूरी फैली होगी, और हो सकता है अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ पे स्नो फॉलिंग भी मिल जाएगी, तब तो मज़े ही मज़े अपने कहीं कहने। और हमारे साथ आप भी इन्जॉय करें, तो जल्दी से पूरा ब्लॉग देखना ठीक है, और अगर वीडियो लोगों को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। और अभी हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट ब्रेकफास्ट करने, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं। गाइज हम दोबारा से निकल चुके हैं रोहतांग के लिए, एंड हमने अभी सुबह उठते ही पहले परमिट बनवाया, अपना ऑनलाइन करा परमिट, एंड हमें 550 का कॉस्ट पड़ा है परमिट का। और आप जब भी आए रोहतांग जाए तो सबसे पहले परमिट कर ले ठीक है, ऑनलाइन होता है ऑनलाइन कर लीजिए, नहीं तो जब बिना परमिट के आपकी एंट्री नहीं होगी। इस अटल टनल पहुंचने ही वाले हैं, और इधर बहुत ज़्यादा स्टाफ टन आ रहे हैं, और अटल टनल पूरा 9 किलोमीटर है, उसको 9 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद फिर रोहतांग रह जाता है वही 30-35 किलोमीटर, फिर हम पहुंचेंगे मस्त बर्फीले पहाड़ में। तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, और अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो गाइस फाइनली अटल टनल रोहतांग पहुंच चुके हैं, अटल टनल रोहतांग के अंदर एंटर करने जा रहे हैं, और ये एंटर कर चुके हैं, अब ये सीधा 9 किलोमीटर जाएगा। A few moments later. Guys, finally, हमने अटल टनल क्रॉस कर दी है, और अब हमारा रूट है सीधा, डेस्टिनेशन हमारा सीधा है रोहतांग। रोहतांग जाएंगे मस्त बर्फ से एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे, सब चीज करेंगे, तो चलते हैं भाई। कल तो हमारा कैंसिल हो गया था, परमिट के बिना गया था, इसलिए आज तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं, परमिट वगैरह सब ले लिया है, एंड चलते हैं सीधा वहीं मिलते हैं, और पूरा वीडियो देखो मजा आ जाएगा, लेट्स गो। तो जिसान तुम बताइए कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बर्फ में खेलने रोहतांग। रोहतांग कहाँ जा रहे हैं? रोहतांग। मजा आ रहा है जिसान, तो पहाड़ों पे हाँ अभी तो बर्फ से खेलेगा, ठंड लगेगी, लेकिन सिंगल कपड़ा पहन रखा तुमने, तो ही बात नहीं, तो ही बात नहीं, तो ही बात नहीं। गाय जी देखो पहाड़ी शीप, भेड़ देखो कितने सारे हो रखे हैं भाई, कुदरती करिश्मा है सब, एवरीथिंग इज नेचुरल हेयर। सो गाइज अभी एक जगह पे मस्त रुक गए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, और धूप निकली हुई है, लेकिन धूप जैसे लग नहीं रहा है, गर्म जैसे लग नहीं रहा, बहुत ठंडा मौसम है भाई। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 10 डिग्री टेम्परेचर है, रोहतांग में तो करीब होगा 2-3 डिग्री टेम्परेचर। ये देखो पूरा पहाड़ भाई, अभी करीब 5-6 मिनट के लिए रुके हैं यहाँ पे, फ्रेश हो जाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं रोहतांग का रास्ता, और यहाँ से सिर्फ 10-15 किलोमीटर रह रहा है। इधर ये छोटे मोटे ढाबा वगैरह बनाया कुछ खाना पीना हो तो, और इधर से पूरा खड़ी चढ़ाई रास्ता है, एकदम खड़ी चढ़ाई, ऐसे 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 करके ऊपर जाना है, वो वहाँ दिख रहे हो जल बर्फ दिख रहा है, उधर जाना है हमें। तो गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो चुकी है चेक पोस्ट में, हमने पेपर वगैरह सब चेक करवा दिया है, और इसी जगह से हम कल वापस हुए थे, इसी जगह से। आज तो तुम्हारा भाई सारी चीज़ें रेडी करके आया था, इसलिए बिना किसी रोक टोक के अब सीधा जा रहे हैं हम पहाड़ों पर जहाँ पर बर्फ है, रोहतांगला। चलो भाई जल्दी चलते हैं, एक्साइटमेंट लेवल हाई हो रही है बहुत ज़्यादा ही, मजा आ रहा है ना, ज़्यादा। गाइस पहाड़ी देखो कैसे चढ़ रहे हैं, एकदम शार्प टर्न है सारी, बड़े ध्यान से ड्राइविंग करनी होती है यहाँ पे। अब तो भाई पहुंच ही गए लगभग, गाइस पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे भाई साहब, इधर देखो बर्फ ही बर्फ, ये देखो इधर बर्फ पूरा मैदान, और ये इधर देखो बंदे खेल रहे हैं, बच्चे सब सब लोग खेल रहे हैं, इधर ही कहीं हम भी रुक जाएंगे मस्त। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं बर्फ वाले एरिया में, और मस्त यहाँ पार्क कर दी गाड़ी हमारी, और इधर देखो बर्फ ही बर्फ, बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत तगड़ा टेम्परेचर है,
अब जल्दी से सूट ले लेते हैं यहाँ का ठंडा वाला और फिर चलते हैं मस्त क्लाइंब करते हुए ऊपर। इधर देखो गाइस कितनी तेज हवा चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी ये लाइन से गाड़ियाँ और बर्फ ही बर्फ। मस्त सूट पहन के फिर इधर से ऐसे ऐसे चढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे। चलो भाई ओए इधर देख, ओए ओए सूट पहन रहा है लड़का। जल्दी सब लोग सूट पहनते हैं फिर निकलते हैं बर्फ में। हाँ हाँ रख, हाँ पहनूंगी पहनूंगी अभी। सही अच्छा लग रहा है, हाँ पहन रही हूँ अभी। गाइस पहन लिए अपने अपने सूट सबने और अभी मम्मी और पापा पहन रहे हैं। आप चलेंगे बर्फ में, मजे आएंगे। इस छोटे को सबसे बड़े तो जिसान लग रहा है। हाँ ओहो भैया बुड्ढो की तरह चलते हुए आ रहा है, भैया बुड्ढो की तरह चलते हुए जा रहे हैं। तो गाइस सारी चीजें ले लिए, लाठी वगैरह सब चीज, अब जा रहे हैं हम बर्फ में और हम बुड्ढे हो चुके और बहुत ज्यादा ठंड लगने शुरू हो गई। सो गाइस देख रहे हो बर्फ ही बर्फ हमारे नीचे पूरी। चलो चढ़ते जा रहे हैं और पूरा पैर फिसलना बहुत खतरनाक वाला। अम्मी का तो हालत खराब हो गया, अम्मी तो चल ही नहीं पा रही। मैं लाठी के सहारे चले आ रहा हूँ और मेरा एम है कि टॉप पे जाऊँ एकदम पहाड़ के। गाइस इधर जियान जिसान और पापा चढ़ते हुए। जिसान इधर देख जिसान पापा गिर गए। जिसान इधर देख, जिसान इधर देख ना इधर मार पत्थर इधर इधर देखो अब पूरी खड़ी चढ़ाई है। ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है। हाँ सांस फूलने लगी है भाई, अभी से सांस फूलने लग गया। हाय हाय अम्मी तो उधर ही है और जीने तो वो खड़ी नीचे। जीना ताजा ये नहीं जीना बहुत थकार के देखो यहाँ पे बैठ गए। जियान सांस फूल लाना। जिसान ये बेचारा यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। आ गई पापा अम्मी गए, अम्मी 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 से चढ़े नहीं आ रहा। अम्मी नीचे ही है, वो वहाँ दिखाता हूँ मैं। हाँ अम्मी देखो वो वहाँ व्हाइट कलर ड्रेस में, वो रही मम्मी। अरे जिसान को और अम्मी को वहीं पे छोड़ दिया। अब जिसान हाँ जिहान इधर है, पापा वो जा रहे हैं, जीनत भी आगे जा रही है और हम सोच रहे हैं वहाँ टॉप की जाने की। भाई वैसे वैसे हालत बहुत ख़राब हो गई है। हाँ चलो चलते जाओ, ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है एंड फिसलन बहुत है। ये देखो कैसे पैर पूरा गाड़ के एकदम लट्ठी गाड़ के तब ले जा रहा हूँ, बिना डंडे के तो जा ही नहीं पाएंगे। और जैसे गिर रहे हैं ना हाथ में बर्फ आ रही है, बहुत ठंड लग रहा है, बहुत हद से ज़्यादा। चलो भाई टॉप जो जाके मिलते हैं आपसे हम। सो गाइस मैं एकदम टॉप पे आ गया हूँ और इधर आपको एक भी बंदा नहीं दिखेगा, इधर आपको एक भी बंदा नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं चढ़ते चढ़ते आ गया हूँ। मेरा एम था एकदम टॉप जाने का लेकिन मेरे को लग रहा है नहीं आ पाऊंगा। ऑक्सीजन लेवल पूरी जीरो हो गई है, सांस लिया नहीं जा रहा है, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई है भाई और पैर इतने खतरनाक पिघल मतलब फिसल रहे थे क्या बताऊँ। इस डंडे के सहारे मैं आया हूँ पूरा और नीचे का व्यू दिखाता हूँ कितना शानदार लग रहा है यार, कसम से मेरा बेस्ट मोमेंट है ये, मैं दिखाता हूँ यार। प्लीज़ आप देखो और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, दिखाता हूँ मैं आपको। ये तो गाइस मैं यहाँ पे हूँ, इधर कोई भी नहीं दिखेगा आप आस पास आपको, एकदम खाली। ये तो देखो कितने नीचे हैं लोग, ये देखो ये जियान अम्मी पापा सब लोग इतने नीचे हैं भाई। और पहाड़ देखो एकदम टॉप के व्यू पे हूँ मैं, एकदम टॉप पे हूँ, यहाँ से पूरे पहाड़ देखो कैसे दिख रहे हैं भाई। इधर देखो बर्फ़ ही बर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ इधर देखो। अब मेरा प्लान है थोड़ा स्लाइड करके जाने का, लेकिन स्लाइड करना रिस्क भी है एक तरीके से थोड़ा, और मेरा ऊपर जाने का मन था लेकिन ऊपर क्या सीन है ना, ऑक्सीजन लेवल बहुत लो है हद से ज़्यादा। सो गाइस देखो कितना चढ़ गया हूँ मैं और अब मेरा प्लान है नीचे जाने का, कि भाई इधर हवा चल रही है और मेरे से सांस नहीं लिया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल एकदम लो है। देखो मैं सबसे टॉप पे हूँ, सारे बंदे तो कितने नीचे हैं। तुम्हारे भाई मैं इतने दमे अकेले चढ़ के आ गया हूँ यार, इतनी मेहनत के लिए लाइक तो ज़रूर बनता है। और भाइयों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो भाई चलता हूँ अपने नीचे स्लाइड होते होते, एंड में गिरूँगा मैं। ओ भाई साहब रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है कसम से। हाँ खड़ी चढ़ाई
लेट्स गो, ट्राई करते हैं। अरे 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 डंडा, अरे भाई डंडा छूट गया था। ओ भाई धीरे धीरे चलता हूँ नीचे नीचे धीरे धीरे। अरे अम्मी अम्मी अम्मी, गया 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 गया। देखो कैसे स्लाइड हो रहा हूँ मैं। अरे हाय, ओ भाई ऐसे एकदम पूरा लेट के धीरे धीरे स्लाइड होऊंगा। अरे भाई जोश जोश में आ तो गया हूँ पर लेकिन नीचे कैसे जाऊँ। चलो भाई चलते हैं धीरे धीरे, ऐसे ऐसे पता है डंडा ऐसे रोक लेंगे जहाँ पर बना। ओ भाई डर लग रहा है। ओए ओए देख ले इधर जियान जीनत। ओ पापा 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 कितना नीचे आ गया भाई भाई साहब। कहाँ आ गया वो लोग, कहाँ पे एकदम टॉप से आया हूँ, हालत खराब है। डर भी डर गया था भाई मैं। ये रुक जाता हूँ मैं, वहाँ से आऊँगा एकदम टॉप से जहाँ ये लोग खड़े ना उसके भी बहुत आगे एकदम वहाँ से फिसलते हुए आया हूँ भाई। डर गया था कसम से मैं। और ये तो पब्लिक पूरी यहाँ पे है। आए हाय क्या व्यू है यार भाई। ये देखो बर्फ हाथ से उठा रहा है, ठंडा बर्फ है। ये देखो निकल भी नहीं रहा। हो देखो कितना ठंडे ठंडे बर्फ है भाई। भाई दिल्ली के 52 डिग्री टेम्परेचर में इतनी खतरनाक। आ जाओ ध्यान से देख के आराम से। सो गाइस स्लाइड होते होते मैं पूरा एकदम नीचे आ चुका हूँ, टॉप से एकदम नीचे। एंड मेरा पिछवाड़ा ऐसा लग रहा है जैसे है ही नहीं भाई साहब, इतना ठंड लग रहा है। अब यहाँ पे जरा मैगी वगैरह खा लेते हैं फिर दोबारा चलेंगे टॉप पे, और मज़े आ रहे बहुत। ये देखो जीनत वगैरह आ रहे हैं। चोट लगी मेरे तो ऐसा लग रहा है पिछवाड़ा है नहीं, सुन हो गया एकदम। जिसान देखो जिसान ही रहा, ध्यान से आ रहा हूँ जिसान, ध्यान से आ जाओ। देखो पापा पापा और अम्मी को देखो कैसे आ रहे हैं। गाइस आ चुके हैं हम रोड पे, अब पापा गए थोड़ा वो पापा गए वॉशरूम वगैरह करने। अब चलते हैं यार, कुछ मैगी वगैरह खाते हैं, पानी वगैरह पीते हैं मस्त। और भाई जिंदगी की सबसे बेस्ट पार्ट था ये, है ना अम्मी, है ना, जिंदगी भर याद रखेंगे इस चीज़ को। एंड बहुत मजा आया, जल्दी से चलते हैं कुछ मैगी वगैरह खाते हैं फिर चलेंगे। गाइस ये तो कोई याक, माउंटेन याक भाई साहब कितने बड़े बड़े लग रहे हैं लेवल में, और इस पे सवारी करवा रहे हैं भाई साहब। कैंप भी लोग कैंप भी लगा रहे हैं वहाँ पे, मज़े आ रहे हैं। इधर मैगी पॉइंट है पूरा, स्लाइडिंग एरिया सब कुछ। जल्दी चलते हैं इधर से मैगी वगैरह खाते हैं, लेट्स गो। तो गाइस आ चुके हैं मैगी पॉइंट पे, यहाँ पे टेबल ले लिया है और ये लोग बर्फ़ खा रहे हैं। बर्फ़ खा रहे हो ये तो मेरे पास दिखाओ जी जी जी। और इसे देखो ये यहाँ पे मजे ले रहा है। ये मैगी खाने के बाद अम्मी पापा सब लोग तो थक गए हैं, ये लोग यहीं पर रहेंगे, मैं जिहान जाएंगे टॉप पे एक बार। जिसान मैगी खाओ ना यार, तुम क्या कर रहे हो इधर, बर्फ़ खा के दिखाओ। बस 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 अब ज़्यादा मत खाओ। ऐसे आ चुकी है अपनी मैगी और कितना मस्त लग रहा है, मस्त है ना जीनत, एक नंबर। जिसान कैसा लग रहा है, अच्छा स्पाइसी भी है ना थोड़ा, पहाड़ी मैगी मस्त। भाई जब हमारा अंडा ऑमलेट भी आ चुका है, और इन सारी चीज़ों के बहुत हाई हाई रेट है भाई साहब। ये देख रहे हो अंडा ऑमलेट 250 रुपये का अंडा ऑमलेट। दोबारा से टॉप पे आ गए, इस बार ज़्यादा ऊपर नहीं गए क्योंकि इस बार पापा भी हैं ना, पापा ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाएंगे। अब साथ में यहाँ पे लाइन से नीचे स्लाइड करेंगे। जियान तैयार है, जिनत लाइन से स्लाइड करेंगे। सो गाइस सेकंड राउंड आ जाओ, वन चलो रेडी, वन चलो डंडा 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 वन टू थ्री आ ओ भाई पिछवाड़ा सुन आ गया। आइए मजा आ गया गाइस, मजा आ गया, पिछवाड़ा सुन हो गया लेकिन। तो गाइस सब सारे मजे करके आ चुके हैं और अभी हाफ एन आवर में हम यहाँ से निकल लेंगे। बाकी मज़ा तो खूब आया लेकिन मन नहीं भरा भाई, ऐसी जगह ही है यार, यहाँ तुम पूरे दिन पूरे रात रहोगे तभी मन नहीं भरेगा, और बहुत ज़्यादा पब्लिक अभी भी। और यहाँ पर पता है हर एक चीज़ खाने वाली ना, बहुत मैगी मैगी बिकल रही है। जो मैगी नॉर्मल हम खाते हैं 10-15 रुपये की,
वो 10-15 रुपए वाली मैगी 150-200 रुपए ऐसे मिलने हैं भाई साहब। पानी की बोतल 40-50 रुपए बोतल ऐसे मिलती है। बाकी मज़ा आ गया, बहुत ठंडा टेम्परेचर है इधर। और मैं पिछवाड़ा हाथ वाथ सब सुन्न हो गया भाई, अब जल्दी चल रहे हैं, एड्रेस वगैरह वापस करते हैं एंड देन आज मैं हाफ एन आवर में निकल लेंगे घर। सो गाइज मस्त कार में आ चुके हैं, कपड़े वपड़े उतार के मस्त देवे के रेंट पे लिया था वैसे तो वो कपड़ा। और ये देखो पूरा माउंटेन दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है भाई, देखो टी शर्ट में हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, पीछे पूरी पैंट हमारी भीगी हुई है, अंदर बाहर से सब कहीं से भीगी पड़ी है। हमने कार रोकी है फोटो शूट के लिए और यहाँ से व्यू देखो भाई साहब, कितना नीचे है, कितना नीचे, कितना ज़्यादा नीचे है भाई। हाँ पाप कितना ज़्यादा नीचे है इधर भाई साहब। यहाँ पर भी थोड़ी बर्फ है, आगे आने के बाद इसमें से बर्फ निकाल के मारता हूँ। देखो हाँ देख ये देखो बर्फ, अब तेरे पड़ेंगे ये अब, अरे बहुत तेज लग रही है तो आ जा चलने लग रही है बहुत तेज, रहने दे आ जा भाई। ये व्यू देखो भाई साहब, आपको कहीं भी जाना है ना थोड़ा बजट बना के मस्त यहाँ पे आओ, रोहतांग मनाली एक नंबर। तो गाइस आ चुके हैं झरने के पास, भाई साहब देखो कितनी तेज़ झरना गिर रहा है, ओ भाई साहब यहाँ से मस्त थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं फिर चलेंगे। ओ भाई फुहारे आ रहे, फुहारे पानी के फुहारे आ रहे हैं भाई साहब, भाई खराब है, कितने तेज फुहारे लग रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तो चलते हैं भाई इधर से, बहुत मस्त है लेकिन निकलते हैं भाई इधर से। चलो गाइस बहुत ज़्यादा ठंड था भाई, मेरे हाथ कांप गए, डाट कन 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 कर रहे हैं और मैं नंगे पैर हूँ, जूता मैंने कार में रख रखे हैं तो पैर पूरे जम गए थे भाई साहब। गाइस अटल टनल से निकल चुके हैं, थैंक्स एंड विजिट अगेन लिखा पड़ा है। और ये पहाड़ का मौसम देखो भाई साहब, पूरा जैसे लगा धुआं धुआं रखा है ना बाबा, एक नंबर पूरा धुआं धुआं रखा है भाई। जितनी बार तुम आओ सब मतलब हर बार तुम्हें कुछ ना कुछ अलग दिखेगा ही, सब मस्त है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।